Hello students, welcome to your online class from Maharaja Christian Public School. आजकल हम EVS में रिवीजन कर रहे हैं. हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीटली रिवीजन हो चुका है और आज हम चैप्टर 5 की रिवीजन करेंगे. जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे. हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 पीपल एट वर्क, लोगों का काम, राइट. टॉपिक है ऑक्यूपेशन. व्हाट इज ऑक्यूपेशन? एनी वर्क दैट इज डन टू अर्न द मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो धन कमाने के लिए किया जाता है उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, उसको हम व्यवसाय कहते हैं. लोग पीपल डू डिफरेंट वर्क टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए लोग विभिन्न तरीके के काम करते हैं. वे बिजनेस भी करते हैं, वे जॉब भी करते हैं, और जॉब करने के लिए कई पढ़ाई करने के बाद ट्रेनिंग कर भी जॉब करते हैं, है ना. और इसको जैसे अब हमारा नेक्स्ट है प्रोफेशन क्या है? व्हाट इज प्रोफेशन? पीपल डू डिफरेंट वर्क जॉब दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशन. पढ़ाई पूरी होने के बाद एक कोर्स जो किया जाता है, एक ट्रेनिंग जो ली जाती है, इसको हम प्रोफेशन कहते हैं. वो ट्रेनिंग उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है. लाइक दैट अगर किसी ने आर्ट्स लिया, आर्ट्स विषय लिया है, उसमें वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग लेंगे. मान लो टीचिंग लाइन की ट्रेनिंग लेनी है तो वो बीएड, जेबीटी इस तरीके की ट्रेनिंग लेंगे और स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग लाइन में. इसी तरीके से जिसने नॉन मेडिकल लिया है वो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बच्चे बीटेक करते हैं या पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं, है ना. तो वो उसके अपने और उसमें भी अलग अलग ट्रेड होती है, CS कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक, तो इस तरीके की उसमें भी अलग अलग ट्रेड होती है. और वो जिस ट्रेड में उनका इंटरेस्ट होता है उसमें वो अपना वो ट्रेड लेकर उसी सब ट्रेड से अपनी इंजीनियरिंग करते हैं और आगे उसी ट्रेड में जाकर जॉब करते हैं. मान लो जिसने CS ली वो आगे कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनेगा तो वो आगे उसी कंप्यूटर की लाइन में ही जॉब लेगा, ओके. इसी तरीके से यदि किसी ने मेडिकल ली है तो वो मेडिकल लाइन में जाएगा, उसके लिए मेडिकल लाइन में वो नर्स भी बन सकते हैं, लेबोरेटरी चेक में जो लेबोरेटरी होती है हमारी हॉस्पिटल्स में ब्लड टेस्ट की, यूरिन टेस्ट की, अगर काफ़ी टेस्ट तो उसमें भी जा सकते हैं. और कुछ मशीनरीज जैसे एक्सरे वगैरह है ये भी हमारी मेडिकल लाइन में ही जाते हैं. इसी तरीके से जो डॉक्टर बनते हैं, कई BDS होते हैं जो दांतों के होते हैं, कई MBBS करते हैं और कई वेटरनरी भी होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं. तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सुनते हैं और उसके अनुसार ही अपना फ्यूचर मेंटेन करते हैं. इसको हम प्रोफेशन कहते हैं. समझ आया बच्चों? अब मान लो अब तो हम ऐसा करते हैं लेकिन पुराने समय में इन द ओल्डन डेज जो उनके बुजुर्ग करते थे, पापा दादा जो भी काम करते थे आने वाली जनरेशन वही करती थी. जैसे कोई दर्जी का बच्चा है उसके पापा कपड़े सिलते थे तो उसके पापा भी कपड़े ही सिलते थे और जब वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो वो भी वही काम करते थे. इसी तरीके से यदि किसी के पापा मिट्टी के बर्तन बनाते थे या किसी के दादा मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो उसके पापा भी मिट्टी के बर्तन बनाने का, बाबा के बाद पापा भी
वही काम करते थे, और पापा के बाद जो बच्चे बड़े होते थे उनके तो वो भी वही काम करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज के क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चुनते हैं और अपना फ्यूचर मेंटेन करते हैं। तो बच्चों, तो अभी मैंने बताया कि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं और कुछ और इंजीनियरिंग लाइन में भी, जैसे पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं उसमें इंजीनियरिंग लाइन में भी कई ट्रेड होती हैं, मैकेनिक की, जो मशीनें और जो व्हीकल्स हैं उनको सही करते हैं, तो ये मैकेनिक लाइन में चले जाते हैं। तो अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपनी जॉब वो मेंज चले जाते हैं। अब देखिए, अगर ए वॉशरमैन वॉशेस आवर क्लॉथ, अभी मैंने बताया कि जो कपड़े धोता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉशरमैन, और जो हमारे लिए होटलों में खाना बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, शेफ। क्या बनाते हैं, हु कुक्स द फूड, शेफ, और हु फ्लाइज द एयर कार, जो एरोप्लेन को कौन उड़ाता है, जो आकाश में उड़ने वाले वाहन होते हैं उनको जो उड़ाते हैं उनको पायलट, और जो फनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं उनको हम क्लाउन बोलते हैं, अर्थात जोकर कहते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस से लेटर डिलीवर करते हैं, मनी ऑर्डर डिलीवर करते हैं उनको हम पोस्टमैन कहते हैं। और ए फार्मर ग्रोस फूड ग्रेन, जो ऐसे किसान जो अनाज उगाते हैं उनको हम फार्मर कहते हैं, और दोस्त टीचर्स अस, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको हम टीचर कहते हैं। तो समझ आया बच्चों आपको, शेयरिंग वर्क एट होम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये था हमारा जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग एट होम, घर पर काम में शेयर करना, शेयरिंग एट होम, राइट, वर्क एट होम, घर पर काम में हाथ बटाना, घर पर काम में सहयोग करना। ऑल ऑफ अस शुड शेयर वर्क एट होम, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स द हाउस होल्ड वर्क, इफ वी डू द वर्क बिकम इजियर एंड विल बी फिनिश्ड इन टाइम। हम सभी को कर्तव्य बनता है कि हम घर के कामों में भी पेरेंट्स की हेल्प करें, उनका काम में हाथ बटाएं। इससे क्या है कि ज़्यादा काम कम समय में पूरा हो जाएगा और ज़्यादा काम कम समय में पूरा हो जाएगा और एक एक प्रति पूरा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड आपको करा रखे हैं उनकी स्पेलिंग अवश्य याद करें, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग हमारे एक्सरसाइज, हमारे क्वेश्चन आंसर में काफ़ी हेल्पफुल होती है। थैंक यू, बाय।